Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 3 pair of linear equation in two variables exercise 3.4 question number 1 second part. Solve the following pair of linear equation by elimination method. Hamare paas do equation given hai, 3x plus 4y is equal to 10. Ye hamari first equation hai aur dusri equation hai hamare paas 2x minus 2y is equal to 2. ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। और हमें किससे सॉल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें क्या करना होता है? कोफिशिएंट्स इक्वल करने होते हैं, एक्स के करो या वाई के करो। अब यहाँ पे हमें देखना है यहाँ थ्री है या टू है। अगर हम एक्स के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तो इसको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम एक्स के ही कोफिशिएंट इक्वल करें, हम वाई के भी कर सकते हैं। यहाँ पे वाई का फोर है, यहाँ पे y का 2 है। अगर हम इस सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो वही हम करने वाले हैं। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ठीक है। और इस फर्स्ट इक्वेशन को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब क्या करना है? अब देखो, अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो ये माइनस क्या है प्लस क्या है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दो एडिंग और ये हो गए कैंसिल। 4x प्लस 3x कितना आ गया? 7x। और ये 4 प्लस 10 ये कितना हो गया? 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 14 अपॉन 7, मतलब कि x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है? अब x की वैल्यू को किस में पुट करना है? 1 में पुट कर देते हैं, 1 में, 2 में, किसी में भी पुट कर सकते हो, ठीक है। सो पुटिंग इन 1, जब हम 1 में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो x की जगह आ जाएगा हमारा 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये हो गया 6 प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 10 एंड 4y इज इक्वल टू कितना आ गया? ये 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 6, सो 4y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 और ये हो गया कैंसिल। देयरफॉर y इज इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। ये हमारे दोनों आंसर हो गए, एक हो गया x इज इक्वल टू 2 और दूसरा हो गया y इज इक्वल टू 1। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट।